झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सचिवों के समिति की बैठक से पहले चीनी उद्योग ने मिलों को 10 लाख टन अतिरिक्त निर्यात कोटा जारी करने और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले सीजन से मुक्त श्रेणी के तहत निर्यात वापस लेने की मांग की है। ये एक बड़ी मात्रा है। सूत्रों ने कहा है कि अगर सरकार पूरे 10 लाख टन को मंजूरी नहीं देती है तो भी मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति घरेलू बाजार पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करने के बाद इस सप्ताह इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि खाद्य सचिव को लिखे पत्र में भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुंझुनवाले ने अगले सीजन में गन्ने की बेहतर उपलब्धता का हवाला देते हुए उद्योग की मांगों से अवगत कराया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मिलों के शुरू होने की संभावना है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि चालू सीजन में अक्टूबर और मई के बीच 86 लाख टन के रिकॉर्ड निर्यात के बाद भी चीनी मिल की औसतम कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है और अभी भी लगभग 32 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो उत्पादन की लागत से कम है। वाले ने कहा इसलिए इस मानने का कोई कारण नहीं है कि चालू सीजन में 10 लीटर चीनी का निर्यात घरेलू बाजार को प्रभावित करेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 40.96 और 41.73 प्रति किलोग्राम के बीच मंडरा रहा था। वहीं इस्मा अध्यक्ष ने कहा कि 1 अक्टूबर तक ओपनिंग बैलेंस 2.5 महीने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा और उस समय तक नए सीजन से चीनी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा 24 मई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी का निर्यात 1 जून से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था और ये 31 अक्टूबर तक वैध है। इसने केवल परमिट के माध्यम से निर्यात की अनुमति दी और पूरे सीजन के लिए अधिकतम 100 लाख टन की मात्रा तय की। जून के पहले सप्ताह में खाद्य मंत्रालय ने उन निर्यातकों के बीच अनुपातिक आधार पर 10 लाख टन कोटा आवंटित करने की अधिसूचना जारी की, जिन्होंने परमिट के लिए आवेदन किया, लेकिन मिलों को पारगमन में मात्रा के फैक्टरिंग के बाद इन निर्यातकों को बेचने के लिए 8 लाख टन आवंटित किया गया था। झुंझुनवाले ने कहा कि चीनी मिलों ने पहले से हस्ताक्षरित अनुबंधों के आधार पर 17 लीटर निर्धारित कोटे के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने केवल 8 लीटर निर्यात कोटा दिया। वह नजदीकतम मिलों के पास पड़ी 6 से 7 लीटर कच्ची चीनी अटक गई, क्योंकि वह निर्यात मांग के आधार पर पहले से कच्ची चीनी उत्पादन की योजना बनाते हैं। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा सरकार से इस शेयरों को ध्यान में रखते हुए उद्योग की मांग पर विचार करने का आग्रह किया है, जिन्हें अब न तो परिकृत किया जा सकता है और न ही बिना परमिट के बाहर भेजा जा सकता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 जुलाई तक भारत का गन्ना रकबा 53.31 लाख हेक्टेयर था, जो एक साल पहले के 53.7 लाख हेक्टेयर से कम था। पूरे सीजन में पिछले साल का कुल रकबा 54.97 लाख हेक्टेयर था। इसमें अध्यक्ष ने यह भी अपील की है कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच अगले सीजन में 80 लाख टन चीनी को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा जाए। उन्होंने कहा कि चीनी निर्यात नीति की समीक्षा करने और अगले साल के लिए इसकी घोषणा करने का यह सही समय है, क्योंकि इससे मिल मालिकों को भविष्य के अनुबंधों में प्रवेश करने और अपने उत्पादन की अग्रिम योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वास्तविक अनुमानित उत्पादन और निर्यात के आधार पर अप्रैल के बाद निर्यात नीति की समीक्षा कर सकती है, जबकि अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा प्रणाली को वापस ला सकती है, जिससे आखिरी बार 2020-21 सीजन में लागू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।